जांजगीर चांपा जिले के कलेक्टर ने निजी स्कूल संचालकों की मनमानी पर सख्त रवैया अपनाते हुए निजी स्कूल संचालकों की बैठक लेकर 12 बिंदुओं पर गाइडलाइन जारी किया है और सख्त निर्देश किया है कि उसकी उल्लंघन करने वाले स्कूल संचालकों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार अब केवल NCERT का बुक से ही पढ़ाई होगा। जांजगीर चांपा जिले के कलेक्टर ने निजी स्कूल संचालकों पर सख्त रवैया अपनाया है। कलेक्टर निजी स्कूल संचालकों की बैठक लेकर उन्हें 12 बिंदुओं में गाइडलाइन जारी कर उल्लंघन पर कार्रवाई के संकेत दिए हैं। कलेक्टर द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार अब केवल NCERT की बुक से ही पढ़ाई करवाया जाएगा। किसी निजी राइटर या प्रकाशक की बुक के लिए दबाव नहीं बनाए जाएंगे। वहीं किसी दुकान से बुक या ड्रेस खरीदने के लिए पालकों को बाध्य नहीं किया जा सकेगा। अगर ऐसी शिकायत किसी पालक ने की तो कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही अब पालकों से वसूले जाने 12 महीने की फीस भी स्कूल संचालक नहीं वसूल पाएंगे। अब केवल 10 माह का ही स्कूल फीस लिया जा सकेगा। स्कूल फीस में वृद्धि और स्कूल ड्रेस में बदलाव शाला प्रबंधन समिति के निर्णय के बाद होगा, जो कि पर्याप्त कारण होने पर 5 साल के लिए लागू होगा। इस तरह के कई अहम बिंदु कलेक्टर के गाइडलाइन में शामिल हैं, जिनसे अभिभावकों को भारी राहत मिलेगी। कलेक्टर ने बताया कि इस संबंध में छात्रों ने उनसे मुलाकात कर अपनी समस्या बताई थी, जिसके बाद उन्होंने यह कदम उठाया है। कुछ बालक मेरे से मिले थे, उसके बाद में सभी प्राइवेट स्कूल्स की 2 बार बैठक ली गई और उनको इंस्ट्रक्शन दिया गया कि किसी भी प्रकार से जो है आर्थिक रूप से कमज़ोर और ऐसे वर्गों को जो शिक्षा के अधिकार के तहत जो एडमिशन दिलाया जाता है, और वैसे भी प्राइवेट स्कूल्स जो है अलग अलग प्रकार के महंगे बुक्स यूज़ ना करें और जो फ्री ऑफ कॉस्ट जो गवर्नमेंट सप्लाई करते हैं बुक्स, उसी का यूज़ किया जाए। इस जो शिक्षा का अधिकार के तहत एडमिशन्स तो होते हैं, परंतु उसका पूर्ण जो उसका सही रूप से क्रियान्वयन तभी होगा जब इस प्रकार के कॉपी किताब और स्कूल फीस आदि के जो अलावा जो जितने अन्य व्यय होते हैं उसका आर्थिक बोझ जो है पेरेंट्स के ऊपर ना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट ACN 24।